कैसे दो जर्नलिस्ट ने शुरू किया वन ऑफ द बेस्ट क्लब कॉम्पिटिशन जिसको आज हम यूएफा चैंपियंस लीग के नाम से जानते हैं। तो बात है अर्ली 1950s की, जब दो फ्रेंच जर्नलिस्ट जैक फेरन और गैब्रियल हेनो साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप ऑफ चैंपियनशिप जिसको बाद में कोपा लिबर्टाडोरस बना उससे इंस्पायर होकर एक कॉन्टिनेंट क्लब वाइड कॉम्पिटिशन शुरू करना चाहते थे। और 1954 में वो अपने इस आइडिया को लेके यूएफा के पास गए जिन्होंने उनकी मदद की इस आइडिया को यूरोप के नेशनल एसोसिएशन के सामने प्रेजेंट करने की इन मार्च 1955, जिसके तुरंत बाद 4 सितंबर 1955 को पहला यूरोपियन कप की शुरुआत हुई एंड द रेस्ट एज वी ऑल नो इज द हिस्ट्री।